रात को मेरा कतुम्बर बना देगी ये हरी शीशी का कमाल भाई। कोई ना कोई मैगजीन की मॉडल है। यस माउथ फ्रेशनर इन द लाइन सी यू सून। लो भाई कुट पैन दा पूरा पूरा प्रोग्राम बन गया जी हुण होगी इथे तो व्हाट्स अप पीपल ब्रदर क्रिकेट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुरनाम और मैं समय थाईलैंड की पताया सिटी में। तो थैंक यू सो मच यार लास्ट की वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया। लास्ट में दिखाया था मैंने आपको मंकी बीच तो अभी हम लोग जा रहे हैं हाथावैन। यस नून ना तो हाथावैन बीच है एक वहाँ पर जा रहे हैं। मे बी आपको हाथावैन का पता होगा बहुत सारे लोग इसे कोलान बीच बोलते हैं तो हमने कोलान पूछा था लेकिन वो लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पर हाथावैन है तो हाथावैन बीच पे चलते हैं और हाथावैन बीच दिखाते हैं आपको। वेयर वी बाय बियर लॉ यू मे बाय लॉ तो ठीक है यार अंदर से बियर वगैरह लेते हैं और फिर चलते हैं हाथावैन बीच पे। बोली लो बोली माय है ना तो बुली भाई सिगरेट को बोलते हैं और इसने सिगरेट वगैरह ले ली है तो मैं लूँगा बियर वगैरह तो हाफ हाफ चलता है भाई। लड़की पे इतना पैसा भी नहीं खर्चो और इसने सिगरेट ले ली और मैं बियर ले लूँगा बस काम चलता रहेगा अपना। ठीक है लेते हैं बियर वगैरह और सीधा चलते हैं हाथावैन बीच पे। तो बियर लिया है यार हमने तो बियर ही बोलती है सही है। ओके वाई नॉट टेक बिग वन स्मॉल वन। ओके ओके ट्रैक्टर बहुत है यार यहाँ पर तो सही है ये लोग अपना लोकल सा काम करते रहते हैं ट्रैक्टरों के साथ तो ये एक अच्छी बात है। तो इसको बियर वगैरह ले दी है अभी चलते हैं इसको लेके। ओके लेट्स बाय हाथावैन बाय बियर यू टेक विद योर हैंड ना। ओके यू ड्राइव लो यू वांट अ टाइल यो नो आई ड्राइव नो मिताय। तो हाथावैन को ये ऊपर को जाती है सड़क तो चलते हैं इसके ऊपर और मिलते हैं आपको हाथावैन बीच के ऊपर और दिखाते हैं कि हाथावैन की क्या ब्यूटी है। मेस्टली यार यहाँ पर 7-Eleven नहीं है ऐसी छोटी छोटी शॉप ही है तो मेक श्योर करें जब भी आप पताया से निकले तो अपनी सिगरेट वगैरह ऐसी चीज़ें लेके आएँ। यहाँ पर बहुत महंगा लगाते हैं सामान बट इस ओके मिल जाता है। तो ठीक है हाथावैन पे चलते हैं और वहीं मिलते हैं आपको। सो फाइनली वी कम हाथावैन सो आई माई हाथावैन You also beautiful, na? So I know I beautiful. You know you beautiful. You see. I see you. Oh, I know. You see noon. I see you today. I want to see you today. You want to see anaconda today? Yes, anaconda. Show me. Pepnang. तो ये भाई हाथावैन और ब्यूटी देखी हाथावैन की। इसे ही हम लोग कोलान बीच बोलते हैं इसे ही हाथावैन बोलते हैं। इंडियंस तो हम लोग भाई कोलान ही बोलते हैं लेकिन थाई इसे हाथावैन बोलते हैं। तो हमने थाइयों से पूछा था कि भाई वेयर इज़ कोलान बीच सो वो बोले भाई कोलान बीच नहीं है इसे हाथावैन बोलते हैं। तो ठीक है हाथावैन के बिल्कुल नीचे चलते हैं और हाथावैन का पूरा व्यू दिखाते हैं आपको। और ये रहा हाथावैन यार क्या ही ब्यूटी है हाथावैन की। नीचे जाएंगे हाथावैन के और फिर नीचे से आपको दिखाएंगे। ये भी स्टोरियाँ वगैरह डाल रही है अपनी तो ये एक अच्छी बात है। और नीचे वाटर ब्यूटी देखिए यार वाह। और यहाँ पर भी ये लोग कुछ बना रहे हैं मे बी पूल वगैरह बनाएंगे यहाँ पर प्राइवेट सा एरिया कुछ ना कुछ करेंगे। ये एक अच्छी बात है ये लोग डेवलपमेंट करते ही रहते हैं कुछ चेंजेस लाते ही रहते हैं क्योंकि ये मोस्ट पब्लिक प्लेस है तो यहाँ की ब्यूटी तो बनती है भाई। इसको हार श्रृंगार करना इसके ऊपर पैसा खर्चा करना तो ये इतना तो इनको करना ही चाहिए। तो ठीक है चलते हैं नीचे और नीचे का माहौल दिखाते हैं आपको। गो पाए डाउन ना पाए पाए लेट्स गो। ओके यू ड्राइव मोटर बाइक पता नहीं भाई कहाँ लगानी है लेकिन हम लोग अंदर आ चुके हैं मोटर बाइक लेके। तो अभी ये लोग बताएंगे कि कहाँ पर मोटर बाइक लगानी है कोई ना कोई तो आके हमें ज़रूर रोकेगा। मे बी यहाँ मर्जी लगा दो ये खुला एरिया इनका हाथावैन का। तो ठीक है आप भी आए तो मोटर बाइक रेंट कर लेना यार 200 बाट लगेगा लेकिन मज़े करोगे ज़िंदगी के। मे बी अगर थोड़े समय के लिए भी आए हो तो कर लेना क्या जाता है यार 200 बाट ही है। तो अभी तो टूरिस्ट नहीं है जहाँ पर मर्जी मोटर बाइक लगाओ और इसीलिए मैं आया हूँ विदाउट टूरिस्ट। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप जब इन फ्यूचर आए तो आप कैसे यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो। तो ठीक है किसी अच्छी सी जगह देख के मोटर बाइक स्टॉप करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ की नेचुरल ब्यूटी। वाह क्या बीच है यार सच में ब्यूटी है यार। तो फाइनली यार आ गए हाथावैन बीच के ऊपर और बहुत ही खूबसूरत सा बीच है यार और रेत यहाँ की वाइट है इसीलिए ये मशहूर है यहाँ की वाइट रेत के लिए। तो बहुत खूबसूरत सी जगह है आज आपको पूरी एक्सप्लोर कराएंगे ऊपर से लेके नीचे तक क्या है इसके अंदर और पियेंगे बियर इस लड़की के साथ। पेन आए पेन आए ड्रिंक ड्रिंक पेन आए हो वे सीट ना। ओके ओके सीट हैं यू वांट टू सीट। तो ठीक है कोई जगह ढूंढते हैं और वहाँ पर बैठते हैं फिर इसके साथ गपशप लगाते हैं
कि क्या सोचती है ये और क्या करेगी ये पीने के बाद। मे भी आपने पुरानी वीडियो में देखा ही है, ये बहुत ज़बरदस्ती बंदी है, लेकिन इसे आज और मज़े कराएंगे ज़िंदगी के। देखते हैं कहाँ बैठते हैं। थिनाई ओके। तो ठीक है भाई, 100 बाट बोला इसने बैठने के लिए यहाँ पर। सिट हियर ना। तो ठीक है भाई, वो पैसे तोड़ के दे देगा तो सही है। वो सामने भी कुर्सियाँ हैं, लेकिन वो 100 से मे बी 150 बाट चार्ज करते हैं एक पर पर्सन का। बट यहाँ पर ठीक है, प्राइवेसी सी है थोड़ी, बिकॉज़ हमारे पास बड़ा तामझाम नहीं है, तो यहाँ पर बैठ के इन्जॉय करेंगे हम लोग और बियर वगैरह पी रहे हैं। व्हाट यू डू? इन्जॉय लॉ टू मच। हैप्पी श्योर 100% गुड। तो ब्यूटी देखिए यार, बीच की शानदार, वाइट ही वाइट है भाई सब कुछ, खूबसूरत सा बीच है यार। समय निकालिए, आइए ज़रूर यार, अगर पताया में आते हैं तो दिन में दारू पी के मत सोए रहना मेरा भाई। आइए इन ऐसी खूबसूरत सी जगह पे आइए, बंदियों को साथ लेके आइए, अपने बंदों को साथ लेके आइए, अपने भाइयों को साथ लेके आइए और इन्जॉय कीजिए यहाँ पर, जैसे ये लड़की कर रही है। तो अभी बियर वियर पीते हैं, इसको बोला था मैंने बड़ी बियर उठा ले, लेकिन इसने दो छोटी बियर उठाई। मे बी उसके बाद फिर से बियर पीने के लिए जाएंगे। तो यही है, और वहाँ से मैंने शूटिंग की थी, वो ऊपर से देख रहे हैं ना, तो वहाँ से मैंने इसका एक शॉट लिया था, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो अभी ये देखिए, जब नीचे से हम लोग ऊपर को देखते हो तो बहुत खूबसूरती झलक रही है, और जब ऊपर से नीचे देखते हो तो वो डबल हो जाती है। तो यही इनका एक मोटिव है कि टूरिस्ट को यहाँ पर लेके आना, टूरिस्ट को यहाँ पर खींच के लेके आना, तो जो जिसमें ये कामयाब भी हुए हैं, क्योंकि पताया से हट कर किसी जगह को चलाना तो वो कोला नहीं चला सकता है भाई। तो ये चल भी रहा है एज ए टूरिस्ट, अभी भी आ रहे हैं लोग यहाँ पर, थाइए आ रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर यहाँ पर इंडियंस और मेरे पाकिस्तानी भाई यहाँ पर भरमार लग जाएगी, तो ये एक अच्छी बात है। तो ठीक है, आगे चलते हैं, आगे कुछ और माहौल दिखाते हैं आपको। तो भाई शीशी साथ में है, तो इसको दिखाते हैं। व्हाट इज दिस? यू नो व्हाट इज दिस? व्हाट फॉर स्मेल? गुड स्मेल इंडिया ला। यस, माउथ फ्रेशनर। You never use? Good for mouth, good for health. Yes, yes, long like this. तो इसे क्या पता कि भाई ये क्या चीज़ है। ओके, ओपन बी अलो। हाउ यू ओपन? ओके, ओपन 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 भाई, दांत से ओपन करेगी, ये भी इंडियन स्टाइल यूज कर रही है। How you know open? India open like this, na? India open like beer. Yeah, la. Same same la. Same same you. India open like this beer. Achha experience hai bhai ye beer open karne ka. Good experience la. Yeah, I open it. How? Open. Like this? Open. Why? Easy. Pussy open. Pussy open. Chon kya? तो यही माहौल है यहाँ का, और बहुत सारे मेरे भाई कमेंट करते हैं कि गामा भाई वीडियो बहुत छोटी होती है, वीडियो बहुत छोटी होती है, इसलिए यार मैं छोटी सी वीडियो बनाता हूँ ताकि जो आपको देखने में अच्छी लगे। और छोटी वीडियो का ये फ़ायदा हो जाता है कि यार बंदा बोर नहीं होता और समय से वीडियो ख़त्म हो जाती है और आपका भी इंटरटेनमेंट होता रहता है। करने को मैं कोलान की पूरी वीडियो कर सकता था एक ही वीडियो में, बट मैं नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि इस स्वीट सी मेमोरी को कैमरे में कैद करके यूट्यूब पर डाला जाए ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं ये वीडियो खुद देखूँ तो मुझे अच्छा लगे और मैं इन पल को याद करूँ। यू हैव ऑल्सो लो ना। पर इसे इसका नहीं पता है कि भाई ये चीज क्या है। मैंने बोला माउथ फ्रेशनर है, शुक्र करो कहीं मुंह में नहीं डाली, तो रात को मेरा कतुम्बर बना देगी ये। हरी शीशी का कमाल भाई। तो ठीक है, करते हैं इसके साथ एंजॉय वगैरह और मजे करते हैं जिंदगी के, कुछ इसके साथ अटपटी चटपटी सी बातें करेंगे, एंड देन फिर पानी में नहाने के लिए जाएंगे, और वो वीडियो आपको बाद में मिलेगी नहाने वाली। तो भाई ये गिलास में डाल के पीनी पड़ेगी, क्योंकि पुलिस का बहुत मसला है अभी भी, बट वो 8 बजे के बाद होगा, लेकिन अभी नहीं है, लेकिन फिर भी स्टिल भी डाल लेते हैं। तो आप तो आइए, बस जब आप आओगे तो तब यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, आप तो मज़े करोगे ज़िंदगी के, बट हमें कायदे कानून में नो हंसम ना भाई। तो बहुत सारा टूरिस्ट आया हुआ है, आप देख सकते हो, मोस्टली चाइनीज़ ही है और कुछ थाई बंदे हैं यहाँ पर। फोटोग्राफी चल रही है फुल बटा फुल, आपको दिखाता हूँ यहाँ के माहौल। और देखिए कितनी खूबसूरत सी लड़कियाँ पानी में फ़ोटोग्राफी करने के लिए आई हुई हैं, तो ये एक अच्छी बात है।
पानी बहुत खूबसूरत है यहाँ का यार, जिसकी वजह से यहाँ पर टूरिस्ट आना पसंद करता है। तो मे बी इन फ्यूचर जब भी ये खुला तो आप भी ज़रूर विज़िट करेंगे और यहाँ पर मोटर बाइक वगैरह ऐसी चीज़ें ज़रूर रेंट करेंगे, तो जो ऐसी ऐसी ब्यूटी आपको देखने के लिए मिल जाए। चल रही है भाई फुल बटा फुल फोटोग्राफी। तो इसके बाद में जो अगली वीडियो आएगी वो पानी के अंदर की आएगी, वो मे बी आपको थोड़े समय बाद देखने के लिए मिलेगी। और चल रही है फुल बटा फुल फोटोग्राफी यार, ये भी मे बी कोई ना कोई मैगजीन की मॉडल है जिसको सेब केले रख के फोटोग्राफी कर रही है। तो ये माहौल है यार यहाँ का, और देखिए कितनी खूबसूरती है। आई होप अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ के लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि जो आपको ऐसी ऐसी ज़बरदस्ती वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो ठीक है, चलते हैं आगे और उस लड़की के साथ कुछ बातचीत करते हैं और वीडियो को अंत करते हैं, बिकॉज आई डोंट वांट टू ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाए। मैं 10-10, 15-15 मिनट के पार्ट बनाऊंगा छोटे छोटे, ताकि जो आपको भी देखने में अच्छे लगे। तो ठीक है, उसके साथ बातचीत करते हैं और दिखाते हैं और रंगमंच आपको। तो फाइनली यार ये थी कोरल की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कोरल का कुछ एरिया दिखाया है, आई होप इन फ्यूचर आप जब भी आओगे यहाँ पर विजिट ज़रूर करोगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्विमिंग करने के लिए। नाउ वी गो टू स्विमिंग ना, गो टू इन वाटर ना, बटरफ्लाई ना, फिश ना, एवरीथिंग ना, गुड ना, व्हाट एवरीथिंग, वेलकम वेलकम। तो जा रही है भाई, और देखिए क्या लुक है इसकी। Pin alive. Goodbye. Okay, pa. Let's go. Okay, let's go. Go share, go tag, go share, go subscribe. Go like, go share, go subscribe. See you soon. See you soon. चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ के लगे बेल आइकन को जरूर दबाना। और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो स्विमिंग की आएगी, और उसके बाद एक वीडियो आएगी वो नाइट की आएगी, और मे बी 4-5 पार्ट आएंगे इसके ऊपर। आई होप आपको पसंद आएंगे। तो मिलेंगे फिर किसी एक अच्छी नई वीडियो में, ऐसा नहीं बोलूंगा, मिलेंगे इसी जगह से कल आपको नई वीडियो के साथ। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।